मैं बेसिकली जयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान, और जयपुर से ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। बचपन वहीं बीता है, वहीं पला बड़ा, और अभी बॉम्बे आए हुए मुझे तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। 16 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। पिछले कोई 10-12 साल से मैं राइटिंग फील्ड में हूँ, और कुछ सीरियल्स में एक्टिंग भी की है, लेकिन एक्टिंग अभी बैक सीट पे है और राइटिंग जो है काफ़ी टाइम से राइटिंग में ज़्यादा सक्रिय है। जयपुर में मैंने बेसिकली कॉमर्स किया है, एमकॉम किया है, और एमकॉम के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ जयपुर में थिएटर में ज़रूर सक्रिय रहा हूँ। तो नाटक करने का बचपन से ही शौक था। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे तब भी नाटक किया करते थे, कभी महाराणा प्रताप बन के तो कभी शिवाजी बन के, और जब उन किरदारों की उतनी समझ भी नहीं थी तब से शौक ज़रूर था। तो शायद वो क्रिएटिव उसमें लाइन में जाने का कीड़ा कहिए या जो भी, वो बचपन से ही रहा है। तो फिर जब स्कूल पूरा हुआ तो कुछ एक चिल्ड्रन वर्कशॉप थी थिएटर की, वो ज्वाइन की। तो वो ज्वाइन की तो उससे अपने अंदर की चीज़ें पता चली कि ये करना अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई, तो वो एक थिएटर में काफ़ी रुझान बढ़ा उस टाइम मेरा। बॉम्बे जब मैं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि बॉम्बे जाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था। तो जैसे हर घर में होता है कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जैसे मैं कॉमर्स का था तो चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए, या इसी तरह का कोई अच्छी जॉब कर ले। तो यही सब सोचा हुआ था और मेरे मन में भी था कि ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था ही। लेकिन जब थिएटर जहाँ से ज़िंदगी में आया, 3-4 साल पढ़ाई के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ जब थिएटर किया, तो थिएटर में काफ़ी रुचि बनने लगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ थिएटर के मेरे जो साथ के लोग थे उनमें से कई सारे लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ये चलन में था। तो काफ़ी सारे लोग बॉम्बे आ गए, तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तू क्यों नहीं आता। तो मैंने कहा यार मैंने कभी सोचा नहीं है, मतलब मैं जयपुर का रहने वाला, मतलब अपना थिएटर तक ठीक है, इतना ही समझ में आता है, शाम को जाते हैं थिएटर करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार, तो जब करना ही है तो एक ट्राई तो कर, एक कोशिश तो कर कि बॉम्बे आके कर, हम भी तो हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता था यार संभालेगा कौन, हम तो बॉम्बे मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, कभी देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, सुना भी नहीं, मतलब ऐसे वाली बात है। तब उन्होंने कहा तू आ जा यार, हम भी तो रहते हैं, किराए का घर लेके रहते हैं, साथ में मिलजुल के रह लेंगे। तब दोस्ती में मतलब मुझे लगा कि चलो, मम्मी से बोला कि 1 साल के लिए जाना तो अगर ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, अभी पढ़ाई तो है ही, कर लेंगे कुछ नौकरी वोकरी। तो वो 1 साल के लिए जो मैं निकला था, तो वो आज 16-17 साल हो गए, वो 1 साल चल ही रहा है अब तक। इस शहर में मतलब नो डाउट कि जितना सोच के आया था उससे कहीं ज़्यादा इस शहर ने दिया। और इस शहर में इनिशियली संघर्ष बहुत रहा, मतलब अपने शहर जितना आसान नहीं था, लेकिन चीज़ें बहुत बड़ी थी और जितना सोचना चाहो सोचो उतना मिल सकता था आपको। वो एक इस शहर में बात थी कि तुम सोच के बताओ तुम कितना सोचोगे, मैं उससे ज़्यादा दे सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा किस्मत है, टैलेंट है तो मिलेगा। तो शुरू के 4-5 साल बहुत संघर्ष में बीते, नो डाउट कि बहुत तकलीफें तो क्या कहें, मतलब हाँ, मतलब जैसे अपने घर में पले बड़े थे कि घर में कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, कमी नहीं थी, कभी नहीं पता था कि रोटी बनाते कैसे हैं, खाते कितने बजे ये पता था, बनाते कैसे हैं और दाल में नमक कितना डलता है, सीटियाँ कितनी बजती हैं, ये सब नहीं पता था। वो सब बम्बई ने सिखाया कि यहाँ के पापा मम्मी और भाई बहन उनकी सराउंडिंग्स नहीं थी, सिर्फ आप थे, आपका ड्रीम था और आपके दोस्त थे, और ये शहर था कि मतलब जहाँ तक भाग सको भागो। तो चूंकि कोई गॉडफादर ऐसा नहीं था, ऐसे जिन लोगों को जानते थे वो खुद भी सब संघर्ष कर ही रहे थे, तो ऐसे कोई बड़ा नहीं था कि जिसने आते ही हाथ थाम लिया और बोला कि आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। तो इस वजह से शुरू के 4-5 साल संघर्ष बहुत रहा, मतलब एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है, ये था कि बस यार आए हैं, काम करना है, कोई जैसा भी काम देगा वो कर लेंगे। तो ऐसा कोई मजबूत इरादा नहीं था कि मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, बस ये था कि शहर में आए हैं, थिएटर किया हुआ है, कोई काम दोगे हम कर लेंगे। तो 4-5 साल काफ़ी स्ट्रगल की, किराए के घर में रहे, 2 टाइम की रोटी का संघर्ष जो होता है, लोकल ट्रेन में घूमना, बस के लिए खड़े होना, वो सब जो भी था वो सब कुछ किया। फिर उसके बाद कहीं से राइटिंग की शुरुआत हुई, मतलब कहते हैं कि शायद करना लिखा था, इस वजह से वो मजबूरी में वो काम शुरू हुआ, बिकॉज सर्वाइवल पे जब आ गई बात तो एक्टिंग से कुछ हो नहीं रहा था खास, छोटे मोटे रोल से बात कहीं पहुंच नहीं रही थी, वो इतना ही पैसा होता था कि आज आया और अगले हफ्ते खत्म। तब किसी ने, तब जो मेरे फ्रेंड्स थे वो ये जानते थे कि मैं जयपुर में लिखता भी था, अपने प्लेस वगैरह लिखा करता था,
तब किसी ने एक बार बोला कि यार लिखना चाहोगे कि बालाजी में एक सीरियल बन रहा है, क्या उसमें लेखन करोगे? तब कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार लिखना, मतलब ऐसा प्रोफेशनल तौर पे कभी नहीं लिखा, आता है कर लेंगे लेकिन प्रोफेशनली नहीं किया। तो उसने बोला ट्राई तो कर लो यार, मतलब कुछ नहीं होने से कुछ तो अच्छा है। तब वो पहली बार हुआ कि मतलब जाके राइटिंग के लिए मिले बालाजी प्रोडक्शंस में, वो नया एक सीरियल बन रहा था कहानी घर घर की, उसके लिए जाकर मिले, एक ऑडिशन टाइप दिया, कुछ दो सीन लिखकर बताए, उनको वो अच्छा लगा और वो काम मिला। तो उस टाइम राइटर बनने की खुशी नहीं थी, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा कुछ हासिल किया है, खुशी ये थी कि कुछ एक छोटा सा काम मिला है, जैसे महीने मेरे का खर्चा निकलेगा बस, ये महीना तो रुक सकते हैं मुंबई में। तो वो काम शुरू किया, और वो करते हुए तब ये था कि टेक्निकलिटीज नहीं मालूम थी, क्योंकि टेलीविजन पे कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, वो सब नहीं मालूम था। बस ये था कि जो महसूस करते थे वो लिख देते थे, तो वो जो फील किया, वो जो लिखना शुरू किया, तो वो लोगों को अच्छा लगने लगा, एकता जी को पसंद आया, फिर वो काम धीरे 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 चलने लगा, और पता ही नहीं चला कि कब राइटर बन गए और डायलॉग राइटिंग में घुस गए। ट्रेनिंग का मतलब, एक तो डेली सोप में ना तो टाइम ही मिल पाया, और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात थी, तो ऑलरेडी थिएटर में मैं 7-8 साल अपने जयपुर में दे चुका था, बॉम्बे में मैं अपने 5-6 साल स्ट्रगल के गुजार चुका था, तो उस तरह से प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मेरी जो रियलिटी ट्रेनिंग थी वो काफ़ी हो चुकी थी। तो अब ट्रेनिंग सिर्फ ये लेनी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद अपना काम करूं, अपनी गलतियों से सीखूं और देखूं कि क्या लिखना है, क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। और फिर सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो मुझे अपने आप ही मिलती गई, जिसको ट्रेनिंग मेरे लिए जो सबसे बड़ा स्कूल था, वो था बालाजी टेलीफिल्म एंड एकता कपूर। मतलब वो मुझे अपने आप में एक लगता था कि मैं काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन सीखने को मुझे इतना मिल रहा है कि हर मीटिंग में मेरे को लग रहा है कि मैं कितना कुछ सीख रहा हूँ इनसे। तो वो एक ट्रेनिंग अपने आप होती जा रही थी, जिसको मतलब सोच के नहीं लिया कि ये मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है, वो काम हो रहा था, लेकिन काम के साथ साथ एक ट्रेनिंग चल रही थी कि रोज वो कुछ नया आपको सीखने को मिलता था, रोज कुछ नया सीखने को मिलता था, और जो सीख रहे हो उसको आप अप्लाई कर रहे हो, और वो काम एयर पे आ रहा है तो आप देख भी पा रहे हो। मेरा पहला शो था कहानी घर घर के, जिसके मैंने करीब 1500 एपिसोड्स लिखे 7 साल तक। कहानी घर घर के बाद मेरा अगला शो था कुटुंब। कुटुंब वो शो था जिसमें मैंने साथ में अपना एक्टिंग का भी, जो मेरा एक दबाव कीड़ा था वो निकाला, मेरा एक छोटा सा रोल था, तो मैं साथ में एक्टिंग भी करता था, राइटिंग भी करता था। फिर उसके बाद कुसुम था, देन कहीं तो होगा, फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी बाद में लिखा मैंने, फिर उसके बाद कुछ इस तरह, और इस तरह मतलब बालाजी के जितने भी शोज आए, मतलब काफ़ी सारे शोज मैंने उनमें से लिखे, कहीं किसी रोज था, तुझ संग प्रीत लगाई, देन उसके बाद महाभारत, और अभी रिसेंटली क्या हुआ तेरा वादा, परिचय। मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने स्टोरी स्क्रीन प्ले से ही शुरुआत की थी, लेकिन मैंने कहानी घर घर की के शुरुआती 80 एपिसोड जो थे वो स्टोरी स्क्रीन प्ले की, लेकिन उसमें पर्सनल तौर पे मुझे ये एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं उस वक्त एक्टिंग भी साथ में किया करता था। तो स्टोरी स्क्रीन प्ले में ये होता है कि पूरी टीम को एक साथ बैठना पड़ता है, अगर स्टोरी लिखने वाले 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो वो तीनों चारों लोग एक साथ बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडिएशन करते हैं, फिर एपिसोड बनाते हैं। तो मेरे लिए वो टाइमिंग उनके साथ मैच करना मुश्किल हो पा रहा था, बिकॉज मेरी शूटिंग के टाइमिंग ज़्यादा रहते थे। तो उस वजह से मैंने उन लोगों से बोला कि मैं मीटिंग के टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं डायलॉग राइटिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, क्योंकि डायलॉग राइटिंग में कहीं भी बैठ कर सकता हूँ। सपोज अगर मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ तो मैं अपने वहाँ खाली वक्त में भी डायलॉग लिख सकता हूँ, मैं अगर कहीं बाहर गया हूँ मैं वहाँ से भी डायलॉग लिख सकता हूँ। तो उस वजह से मैंने 80th एपिसोड के बाद से डायलॉग राइटिंग शुरू किया, तो अब तक मैं डायलॉग राइटिंग ही कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। और स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग मुझे लगता है कि तीनों ही बराबर के अंग हैं डायलॉग राइटिंग के, क्योंकि जो स्टोरी लिख रहे हैं वो एक खाली पन्ने पर सबसे पहली चीज़ वो उतारते हैं कि मेरे दिमाग में ये आया है, कहानी ये है, ये 2 लोग इस तरह के हैं, वो इस तरह से कुछ करेंगे और इस तरह की कुछ बात बनेगी, वो उनके दिमाग में आया। स्क्रीन प्ले वाले जो हैं वो उसको अगले स्टेप पर ले जाते हैं कि ये 2 लोग जो हैं इनका बैकग्राउंड इस तरह का है, इनका घर ऐसा दिखता है, इनके परिवार में ये लोग हैं, ये इस माहौल में रहते होंगे, वो उसको अलग स्टेज पर ले जाते हैं। और डायलॉग राइटर का काम जो सबसे आखिर में आता है उसका ये होता है कि उन किरदारों को वो लैंग्वेज देना कि ये सोचता कैसा होगा, ये बोलता कैसा होगा, इसकी भाषा कैसी होगी, इनके इंटर रिलेशन कैसे होंगे,
ये अपनी मम्मी से बात करता होगा तो कितने प्यार से करता होगा, पापा से बात करता होगा तो कितना डर के करता होगा, बच्चे के साथ ये कितना उसको हक करके बात करता होगा या बच्चा इससे कितना डरता होगा, वो सब डायलॉग राइटिंग के काम आते हैं। तो आई गेस तीनों स्टेप एक के बाद एक चीज़ों को ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से फिर शुरू होता है कि फिर एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर वो सब उनको और आगे ले जाते हैं। डायलॉग राइटिंग को लेकर जहाँ तक मुझे डायलॉग राइटिंग में पर्सनली मुझे जिस चीज़ का फ़ायदा मिला वो मेरी एक्टिंग का फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं एक एक्टर रहा हूँ, काफ़ी साल थिएटर में एक्टिंग की है, तो मुझे हमेशा लगता था कि जो लिखा जाए वो एक्टर बन के सोचा भी जाए कि क्या बोलने में मुझे आसान होगा, क्या मैं इसको फील कर पाऊंगा, क्या ये मेरे एक्टर की भाषा है, तो वो सब जो चीज़ें थी वो मेरे को राइटिंग में काफ़ी काम आई। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे हमेशा राइटिंग में अफेक्ट करती थी, जो मैं मेरे साथ वालों को हमेशा बोलता भी था कि अगर तुम दिल से महसूस करोगे तो एक्टर दिल से महसूस कर पाएगा और तब ऑडियंस के दिल तक पहुंचेगा, अगर तुमने ही दिल से महसूस नहीं किया तो शायद आगे तक बात ना पहुंच पाए, फिर वो शायद एक फॉर्मेलिटी या एक सीन बन के रह जाए जिसमें कुछ बातें हुई, इधर वाले ने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, लेकिन जो होता है ना कि छू गया, जिसको देखकर आदमी को लगे कि अरे यार क्या बात बोली या क्या कर दिया इसने, तो वो छूना जो है वो पहले आपको छूना चाहिए, पहले आपका कन्विक्शन कि मैं जी रहा हूँ उसको। जो एक राइटिंग माने के बाद मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि जब मैं एक्टर था या एक्टिंग किया करता था तो उसमें सिर्फ एट ए टाइम आप एक किरदार जी सकते थे, लेकिन जब राइटिंग की, जब डायलॉग राइटिंग शुरू की तो लगता था कि मैं एट ए टाइम 10 15 20 जितने भी शो में किरदार हैं वो सब मैं जी रहा हूँ, कि अगर मैं इधर ओम अग्रवाल बना हूँ तो मैं एट द सेम टाइम सामने पार्वती भी हूँ, उसी टाइम में बाबूजी भी हूँ, उसी टाइम में बहन भी, छाया भी हूँ, मैं एक साथ 10 किरदारों को जी रहा हूँ। और वो मेंटली एग्जॉस्टिंग भी होता था, लेकिन एक बहुत अच्छी फीलिंग होती थी कि आप एग्जॉस्टेड हो कि आपने सबको जिया, आप इतने किरदारों को एक साथ जी रहे हो, सबको महसूस कर रहे हो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू आपके अंदर चल रहा है और आपको सबको बराबर जगह देते हुए सबका नजरिया बताना है कि कौन क्या फील कर रहा है। सर प्रोसेस में मतलब डेली सोप में जैसा रहता है मोस्टली कि एपिसोड बाय एपिसोड आपके पास आता है, स्टोरी वाले स्टोरी करते हैं, फिर स्क्रीन प्ले बन के आपके पास आता है, तो ब्रॉड स्टोरी हमें मालूम होती है कि हम कहाँ से शुरू हैं और हमें कहाँ जाना है। उसके बाद एपिसोडिक जब स्टोरी आती है तो ये ध्यान रखा होता है कि पिछला ग्राफ हमने कहाँ छोड़ा था, कि जो भी हमारे मेन किरदार हैं या जो भी चल रहा है सीरियल की स्टोरी वो पिछले एपिसोड में कहाँ छोड़ी थी, उससे आगे आपको ग्राफ कहाँ लेकर जाना है, जो भी आपके कैरेक्टर हैं उनका मेंटल ग्रोथ क्या है, कि पिछले एपिसोड में मैंने अगर किसी सीन में उसको वो रोई थी, परेशान थी, तो आज जो मैं एपिसोड लिख रहा हूँ तो वो उस स्टेट से निकल के आई है, अब उस स्टेट में उसका अपने बच्चों के साथ क्या रिएक्शन होगा, हस्बैंड के साथ कैसा होगा, तो वो हर स्टेप पे आपको पिछला एपिसोड ध्यान रख के आगे बढ़ना है और आपको पता है कि अल्टीमेटली आप कहाँ तक जा रहे हैं, कि मुझे इस कैरेक्टर को वहाँ लेके जाना है, तो वो उसकी जो जर्नी है वो जर्नी में आप साथ चल रहे हैं उसके, कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इस सीन में मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, अगले सीन में शायद मैं इसको वहाँ लेकर जाऊँगा और पीक मेरा वहाँ है जो शायद मैं 100 एपिसोड बाद पहुँचूंगा या 200 एपिसोड बाद पहुँचूंगा। शुरुआत किसी भी सीरियल के लिए मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल और चुनौती भरी होती है, क्योंकि तब जब बीच में आप सीरियल के होते हैं तो हमेशा आपको लगता है कि आपने जो लिखा है वो आप देखेंगे और जो आपने देखा है उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, कि आपको पता है मेरे किरदार दिखते ऐसा है, बोलते ऐसा है, इनका ये अटैचमेंट है, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तब आपके पास ब्लैंक पेपर है, किरदार सबके दिमाग में है, अभी आपने देखे नहीं है, तब ये मुश्किल होता है कि हर किरदार को जमाना, हर किरदार को एक भाषा देना, हर किरदार को कुछ न्यूएंसेस देना, कुछ एटीट्यूड देना, तो वो शुरुआत जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, कि मतलब 1000 एपिसोड बाद किसी किरदार को लिखना एक राइटर के लिए आसान होगा, क्योंकि वो तब आपके अंदर चल रहा है, लेकिन जिस दिन आप पहला एपिसोड लिखते हैं तो आप तब आपके लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि कैसे, मतलब अगर मोना सिंह क्या हुआ तेरा वादा कर रही है तो कैसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं, कि वो मजाकिया किस्म की भी है, वो ह्यूमरस भी है, लेकिन साथ में वो एक संजीदा औरत है, इमोशनल है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, परिवार से बहुत प्यार करती हैं, तो बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है, बच्चों में भी छोटे बच्चे के साथ कैसा है, बड़े के साथ कैसा है, हस्बैंड के साथ किस तरह है, सास से उनकी क्या इक्वेशन है, सास उनके लिए कैसी है, तो वो इनिशियली जो कैरेक्टर सेट करना है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है और टाइम लगता है। आई गेस 20 25 30 50 एपिसोड के बाद आपको लगता है कि हाँ अब कैरेक्टर सेट है, अब आप उनको बहुत अच्छे से जी रहे हैं। शुरुआत मुश्किल होती है लेकिन मज़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने जीवन में आसपास की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और एक
राइटर के लिए आई गेस ये अच्छी चीज़ होती है कि उसको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। तो जब लिखना शुरू नहीं की भी किया था तब से भी हमेशा ऑब्जर्व करने की हमेशा आदत थी, लोगों की छोटी छोटी चीज़ें, बातें हैं, उनकी हरकतें हैं, या किस बात पे वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कि जैसे कोई एक मेरी फ्रेंड थी पंजाबी, तो वो हमेशा हाँ हर बात पे, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, हाँ चल पागल, तो वो हाँ जो वर्ड था वो कहीं था दिमाग में। तो वो जैसे हमने कोशिश की क्या हुआ तेरे वादा में, मोना एक पंजाबी औरत है, तो वो हर बात से पहले हाँ चल ऐसे नहीं होता हट। एक होता है कि सच्ची, अभी सच्ची वर्ड जो है वो हमारे घर में बहुत लोग, मम्मी भी कई बार बोलती हैं या मासी वगैरह, तो वो एक वर्ड है पंजाबियों में, मैं जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करके आई, सच्ची अरे लेके आई हूँ सच्ची। अब वो सच्ची वर्ड जो है वो किसी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन कैरेक्टर के साथ वो जाता है कि वो मेरे कैरेक्टर को मिला, तो वो सच्ची जो था वो उसने काफ़ी ऐड किया। वो ऐसा जो ऑडियंस शायद नोटिस ना करे, लेकिन वो छोटे न्यूएंसेस जो है वो आसपास देखने में काफ़ी मिलते हैं। जनरली जब शो शुरू होता है तब इनिशियली हम लोगों की काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम सब लोग साथ में होते हैं। तो आपको पता होता है कि स्टोरी के डिस्कशंस हैं, उसमें स्क्रीन प्ले वाले भी रहते हैं, डायलॉग वाले भी रहते हैं, उसमें प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं, फिर उसमें चैनल के इनपुट्स आते हैं। तो सब मिलजुल के ये होता है कि जो इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि सब लोग एक ही ट्रैक पे हैं, सबको पता है कि हमारे कैरेक्टर्स क्या हैं, हमारी स्टोरी कहाँ से कहाँ जाने वाली है। तो उस तरह से सब लोग मिलते हैं। फिर जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करता है तो आपस में मिलना शायद थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता, डेली सोप्स की डेडलाइन इतनी ज़्यादा होती है कि मिलना कम होता है। लेकिन सबको पता होता है कि हम सेम पेज पर हैं, हमारे कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार होता है कि सब लोग साथ में मिल लेते हैं, अदरवाइज फ़ोन पे टच में रहते हैं, कहीं कुछ कन्फ्यूजन हुआ कि भाई इस तरफ ही जा रहे हैं, मैं ठीक लिख रहा हूँ ना, या आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है, किस तरफ हमको लेके जा रहा है। तो उस तरह से आपस में सब कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, मतलब मोर ऑर लेस। जब भी मौका मिलता है, वक्त मिलता है, सेट्स पर जाते हैं, इनिशियली ज़्यादा जाते हैं एक्टर्स को उनका कैरेक्टर समझाने के लिए कि हमने क्या सोच के लिखा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो शायद चीज़ें उतनी क्लियर ना हो, जबकि आपको राइटर अगर सामने नरेशन दे, बोलकर बताए कि मैंने क्या सोचकर लिखा है, तो एक्टर को ज़्यादा समझ में आता है। तो कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर के साथ बैठें, एक्ट्रेस के साथ बैठें, उनको उनका कैरेक्टर समझाएं, केमिस्ट्री समझाएं, कि हमने क्या सोचा था, आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, वो सब समझाएं। तो जब जब भी मौका मिलता है सेट पे जाते हैं। फिर अगर टाइम नहीं मिलता है तो जो इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं वो कभी फ़ोन पे बता देते हैं, या जब मौका मिलता है तो सेट पर चले ही जाते हैं समझाने के लिए कि बॉस इस तरह से हमने सोचा था, अगर इस तरह हो पाए तो। क्रिएटिव तो बहुत है, मतलब क्रिएटिव बहुत है, लेकिन जहाँ तक टेलीविजन की सवाल है, क्रिएटिव के साथ साथ मुश्किल भरा भी है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले का टाइम होता था तो बोलते थे कि राइटिंग करनी है तो कहीं पहाड़ों में जाके लिखवाते थे, या लिखते थे राइटर जाते थे महीना भर पहाड़ों में। लेकिन अगर टेलीविजन में लिखना है तो पहाड़ सर पर रख के लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइन इतनी ज़्यादा है, हफ्ते में 5 दिन एपिसोड आना है और आना ही है। तो आई गेस जितना वो 5 दिन में, और कंपटीशन इतना कट टू कट है कि पहले जब सीरियल शुरू हुआ था डेली सोप, अगर याद हो तो शांति स्वाभिमान से शुरू हुआ था कि रोज़ के एपिसोड आते थे। लेकिन तब जो थे वो रोज़ एपिसोड बनाने में ये होता था कि 3 कैमरा सेटअप होता था, जो कहानी होती थी मोर ऑर लेस वो एक रूम में होती थी, एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। स्टोरी ओरिएंटेड शो होते थे तो आपकी कोई आउटडोर लोकेशंस या कोई ऐसे ट्रीटमेंट वाले सीन, एक्सीडेंट, धमाका, नवरात्रि, डांस, ये सब नहीं होता था। तो शूटिंग में फिर भी 5 दिन में 5 एपिसोड निकालना हो पाता था। लेकिन बाद में सीन ऐसा बदला है टेलीविजन का कि अब ऑलमोस्ट एवरी डे इज लाइक ए फिल्म। तो आप हर दिन एक फिल्म शूट कर रहे हैं और आपको वो डेडलाइन मैच करनी है, और उसी डेडलाइन के साथ आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे और टाइम चाहिए। आपको जितना टाइम है उसी में आपको अपना बेस्ट देना है और उस कंपटीशन में सर्वाइव करना है। तो काफ़ी मुश्किल भरा है, क्रिएटिविटी है लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। प्री प्लानिंग करना चाहते हैं, काश हो जाए, लेकिन जहाँ तक ये है कि फिर भी पहले ये था कि हफ्ते में एक बार होता था, फिर 4 दिन होता था, 5 दिन हो गया है, तो आई गेस प्री प्लानिंग का टाइम भी नहीं मिलता। और अगर कभी करना चाहते हैं तो TRP पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो गए हैं सब लोग। तो अब जैसे ही TRP आती है तो फिर चेंजेस हो जाते हैं, तो घूम फिर के वो जो अगर बैंक बना भी होता है तो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू होते हैं। इसमें एक तकलीफ़ है, मतलब मेरे ख्याल से हर राइटर की होगी, कि कोई भी राइटर अपना समय खुद तय नहीं कर सकता कि मैं इस वक्त काम करूँगा और इस वक्त काम नहीं करूँगा, या मेरा काम करने का ये तरीका है। ऐसे बहुत कम ही राइटर शायद होंगे, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो आपको टाइम देता ही नहीं, आपको टेलीविज़न के हिसाब से आपको टाइम बनाना पड़ता है। कि मतलब मैं घर में ये तय नहीं कर सकता कि मैं
दिवाली की शॉपिंग करने कब जाऊंगा, मेरा काम मुझे बताएगा कि आप शॉपिंग करने कब जाएंगे, क्योंकि सब कुछ इतना कट टू कट है, तो कभी आपको रात को 12 बजे भी काम करना है, कभी आपको सुबह 7 बजे भी उठ के काम करना है, कभी आप बाजार में खड़े हैं तो भी फोन आएगा कि चेंज हो गया, एक्टर की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तब भी आपको लिखना है। तो वो जो एक पूरा प्रोसेस है वो आपको डिसाइड नहीं करने देता कि आप किस टाइम काम करेंगे। आप कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पर कि मैं इतने से इतने बजे तक काम करता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि किसी के लिए भी वो टाइम डिसाइड करना पॉसिबल होता होगा। जो अगर हो पाए तो बहुत अच्छा होगा। सच कहूँ तो अब आदत हो गई है इस तरीके में जीने की, लेकिन ये तरीका तकलीफदायक है, ये तरीका बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त वगैरह हैं जो इस इंडस्ट्री में टेलीविजन में काम करते हैं, उन सबका ये मानना है कि हम 10 साल खूब काम कर लेंगे, हम अपनी नींद खराब करेंगे, हम रातों को जागेंगे, हम ऐसे जी तोड़ मेहनत करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे यार, फिर हम जाके कहीं अपने गांव में जाके खेती बाड़ी करेंगे या गोवा में बंगला लेके रहेंगे। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि क्यों 10 साल काम करेंगे, क्यों ये आप इसको एक जॉब की तरह नहीं ले सकते, क्यों आपका ये काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको एक टाइम पता है कि इतना टाइम मेरा काम लेगा, बाकी टाइम मेरी फैमिली के लिए है, मेरे घर के लिए है, मेरे पर्सनल कामों के लिए है। तो शायद ये 10 साल का क्राइटेरिया या 5 साल 2 साल कोई नहीं सोचेगा। क्यों हर आदमी इतना भागेगा कि उसको पता है कि मैं हमेशा नहीं कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर सकते हमेशा? कि मतलब अगर हमारे पेरेंट्स 40 साल की नौकरी करके रिटायर हुए हैं, उन्होंने 40 साल नौकरी की है, उस नौकरी के दौरान उन्होंने हम बच्चों को भी पाला है, हमारे स्कूल की मीटिंग्स में भी गए हैं, सब कुछ किया है क्योंकि उनको टाइम मिलता था, तो वैसे ही अगर हमने क्रिएटिव फील्ड चुना है तो हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो हमें साथ में बाकी चीजों के लिए टाइम मिलना चाहिए। वो टाइम अगर मिल पाए, वो इनडिसिप्लिन मतलब थोड़ा थोड़ा सब जगह से होगा, थोड़ा शायद राइटर की तरफ से होगा, थोड़ा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से होगा, थोड़ा चैनल की तरफ से होगा, थोड़ा थोड़ा अगर सब उसको ठीक कर पाए जिससे सबकी जिंदगी आसान होगी, अगर वो हो पाए तो मुझे लगता है कि हम क्वालिटी भी और अच्छी दे पाएंगे, काम भी और अच्छा हो पाएगा, और हर आदमी इस काम को अपना हमेशा के लिए मानेगा, ये नहीं सोचेगा कि मैं आज कर लेता हूँ और मैं छोड़ूंगा, मैं थोड़े साल कर लेता हूँ फिर मैं छोड़ूंगा, वो नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है गलत। आई गेस पूरा ऊपर से नीचे तक सबको एक सिस्टमेटिक तरीके में आना होगा, जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से हम स्टोरी बनाते हैं और जहाँ से एपिसोड बनने की बात होती है, वहीं से हमें तय करना होगा कि हम कितने एपिसोड लेकर एयर पर जाएंगे, वहीं से तय होना चाहिए कि हम एपिसोड का इतना बैंक रखेंगे, वहीं से तय होना चाहिए कि हमारे पास एपिसोड इतने एडवांस में आएंगे, वहीं से तय होना चाहिए कि हम इतना ही देर शूटिंग करेंगे। तो वो अगर सिस्टमेटिक हम कर पाएंगे कि उसमें हम रोज़ उतना पैनिक नहीं मचाएंगे कि अरे आज TRP 0.1 कम हुई तो हम आज कुछ बदल देते हैं, या आज कुछ ऐसा हुआ तो हम रात को बैठ के कुछ कर देते हैं। मतलब चेंज करना अच्छी बात है, कंपटीशन में है तो सबको कंपटीशन का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना जल्दी जल्दी और इतना पैनिक मचाने की बजाय आराम से काम करेंगे तो सब एक ही साथ हैं। मतलब कॉम्पिटिशन है अच्छी बात है, लेकिन चल सब एक ही साथ रहे तो सब करेंगे तो सबका जीवन थोड़ा आसान होगा, और अगर टाइम मिलेगा तो सबकी क्रिएटिविटी और इम्प्रूव होगी। सर इज्जत मतलब टेलीविजन में जित कहते हैं टेलीविजन राइटर्स का मीडियम है, तो इज्जत बहुत मिलनी चाहिए, मैं कहूँगा कि उतनी इज्जत नहीं मिलती है, और अब उसके लिए किसे दोषी माना जाए, क्या कहा जाए, लेकिन ठीक है, कोई ऐसी शिकायत भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटर को इज्जत अगर आप 2 पैसे कम देंगे या आप उसको इज्जत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे हमेशा ये लगता है कि राइटर को आप काम करने की क्रिएटिव मतलब स्पेस दें, उसे उसका पैसा टाइम पे दें, उसे अच्छी वर्किंग कंडीशंस दें, तो मुझे लगता है कि वो आदमी ज़्यादा खुश महसूस करेगा कि मेरी क्रिएटिविटी मेरे हिसाब से खुले दिमाग से शांति के साथ कर पा रहा हूँ। बाकी इज्जत का जहाँ तक सवाल है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसल्ट कर रहा हो किसी राइटर की, लेकिन जहाँ तक कई लोगों को लगता है या कई जगह बात होती है कि अवार्ड्स वगैरह होते हैं जिनमें राइटर्स का उतना रिकग्निशन नहीं होता, जो कि डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जितने भी किरदार बनाए जाते हैं, जितने भी पॉपुलर सीरियल्स होते हैं, तो उनके पीछे जितनी मेहनत राइटर्स की लगी होती है वो शायद अगर ऑडियंस कभी देखे तो उनको उनकी कदर समझ में आएगी कि राइटर्स कैसे बेचारे दिन रात काम करते हैं, कैसे अपना सब कुछ झोंक देते हैं। उसके बाद अगर एक राइटर इतना सा चाहता है कि उसको भी 4 लोग जाने, कि उसके घर वाले भी बोल पाए कि मेरे बच्चे ने लिखा है, वो देखो मेरे बच्चे को अवार्ड मिला, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो उसमें कोई शिकायत की ऐसी नहीं, क्योंकि
राइटर का सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि उसका लिखा हुआ काम सराहा जा रहा है, उसका सीरियल पॉपुलर है, उसके साथ अगर उसको उसके काम का अच्छा रेमुनरेशन मिलेगा, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, आराम से काम करने का मौका मिलेगा, तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी राइटर के लिए आज की तारीख में। हाँ डेफिनेटली, बहुत बहुत बार लगता है, कई बार लगता है, और वो शायद इसी वजह से लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि बर्नआउट आप इसलिए फील नहीं करते कि आपने काम ज़्यादा किया, बर्नआउट आदमी इसलिए फील करता है कि कभी भी काम करने के लिए हो रहा है, कहा जा रहा है। मुझे भी कभी भी कोई अच्छा सीन लिखने के लिए अगर 3 घंटे दिमाग लगाना पड़ता है तो मैं कभी भी एग्जॉस्टेड फील नहीं करता हूँ, बल्कि 3 घंटा अगर मैंने एक सीन लिखने में लगाया तो मुझे खुशी मिलती है कि मैंने 3 घंटे लगाए, लेकिन उसके बाद ये सीन के बाद मुझे बड़ी संतुष्टि मिली है। लेकिन तकलीफ वहाँ होती है जहाँ पे आपसे दिन में 2 घंटे काम करवाया गया है, लेकिन वो 2 घंटे आपको बताए नहीं गए कि वो 2 घंटे कौन से होंगे, तो आप पूरा दिन उस 2 घंटे के लिए परेशान हो रहे हैं कि अगर आप बाहर काम से गए हैं, फोन आ रहा है कि आपको वो आधा सीन लिखना है, तो आप तंग हुए। आप घर में सोए हैं और फोन आ रहा है कि उठ जाओ उठ जाओ, वो प्रॉब्लम होगी, अभी आपको सीन लिखना है, तो आप तंग हुए। आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पे गए हैं, आप हॉस्पिटल में खड़े हैं और वहां फोन आ रहा है कि प्रॉब्लम होगी, आपको ये करना है, तो आप तंग हुए। उन सिचुएशंस की वजह से आपको कई बार लगता है कि नहीं यार, कुछ तो सिस्टम करो, मैं बर्नआउट हो रहा हूं। तो वो अगर सिस्टम चेंज हो जाएंगे तो जैसे 10 से 5 या 10 से 8 की नौकरी करके मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की 60-70% लोग काम कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। कि हमको पता है कि हमें सुबह 10 बजे काम शुरू करना है, हम 8 बजे तक काम करेंगे, तो हम 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे। मुझे पता है कि मुझे वीक में एक दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि हम राइटर्स को छुट्टी है ही नहीं, मतलब एक भी छुट्टी नहीं है। तो वो जब होता है तब आप बर्नआउट फील करते हैं कि बॉस कहीं तो कुछ रिलैक्सिंग चाहिए, कहीं तो मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, कुछ कर तो नहीं पाते हैं सच। लेकिन अब ये मान लेते हैं कि ठीक है, अब ऐसे ही चलना है, तो अब एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे का दुख सुन के हंसी में डाल देते हैं कि ठीक है भाई, मेरी परेशानी है तो तेरी भी परेशानी है, तेरे आगे भी परेशानी है, तो परेशानी का कोई अंत नहीं है, ऊपर से लेके 100 लोगों तक यही परेशानी चले आ रही है, किस किस को दूर करेंगे, तो हंस लेते हैं। बेसिकली मैं वैसे भी थोड़ा सा, जब मैं एक्टिंग किया करता था तो काफ़ी कॉमेडी रोल वगैरह किया करता था, तो हंसी मजाक ही मुझे लगता है कि ह्यूमर से बेस्ट कोई पॉलिसी नहीं है अपना तकलीफ मिटाने की, तो हंस लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, फोन पे किसी से मस्ती मजाक कर लेते हैं, रिलैक्स, यही तरीका बचता है। लिखना चाहता हूँ, मतलब टाइम बिल्कुल नहीं मिलता ऑनेस्टली, मतलब चाहता हूँ, लेकिन अभी डेली सोप ने ऐसी हालत की है कि मतलब अब तो कोई बोले कि घर में चिट्ठी भी लिखनी है तो बोलते हैं कि नहीं, अब थक जाते हैं, सुबह से उठते ही आप सीरियल लिखना शुरू करते हैं, तो लिखने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम बिल्कुल नहीं बच पाता। टेलीविजन, आई गेस टेलीविजन का रूप बहुत बदल गया है, अच्छा भी है, और कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा और बदला जाना चाहिए। अब उसमें शायद थोड़ा सा व्यूअर्स का ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं हमारे जो कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो गया है, तो कभी हम अगर ऊपरी तौर पे देखते हैं तो कई लोगों की शिकायत होती है कि भाई सारे सीरियल एक जैसे हैं, कि आप शुरुआत जो करते हो वो कुछ नहीं करते हो, लेकिन थोड़े दिन के बाद सब एक जैसे लगने लगते हैं, कि सबको वही चाहिए कि घर में एक बढ़िया सा परिवार है, उस परिवार में बहू की सास से नहीं बनती है या भाई है कुछ, मतलब एक बेसिक सेटअप कहीं ना कहीं सबका एक सा लगता है, तो उसमें लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अलग हो, कोशिश करते रहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर यह होता है जब कोशिश करते हैं तो सामने से रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो ना चाहते हुए भी लोगों को वहीं आना पड़ता है जहां सब चल रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि जो है वो अच्छा है, क्योंकि ये मतलब जो हर घर तक पहुंचा है जिसने टेलीविजन को इतना बड़ा बनाया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में दूसरी चीजें भी होनी चाहिए। जैसे पर्सनली मैं आज भी बुनियाद हम लोग तरह के धारावाहिक मिस करता हूँ। मुझे लगता है कि आज से अगर वो 20 साल पहले जो चीजें बनाई जा सकती थी, जबकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं था, तो हम आज क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं। लेकिन बनाने के लिए, अगर बनाने वालों को हिम्मत चाहिए, तो उसमें व्यूअर्स का भी सपोर्ट चाहिए कि अगर कोई चीज बने तो उसको थोड़ा सराहें, थोड़ा वक्त दें, क्योंकि रोज रोज अगर एक चीज आप देख रहे हैं बन रही है तो दूसरी चीज के लिए आप भी तैयार होंगे, तो अगर वो मिले तो अच्छा है। उसी में अगर हम नई नई चीजें कर पाए, और पर्सनली मुझे लगता है कि टेलीविजन आज कहीं ना कहीं फिल्मों से बराबर या उससे भी बड़ा मीडियम है, क्योंकि फिल्म देखने के लिए फिर भी हर आदमी घर से नहीं निकलता, फिल्म देखने के लिए आपको 300 रुपये लगाने पड़ते हैं, टेलीविजन हर घर में आ रहा है, तो एक कोशिश होनी चाहिए कि हम टेलीविजन के माध्यम से कुछ अगर मैसेज दे पाए, हमारे
समाज में जो चल रहा है अगर हम उसको इतना सा भी बदल पाए, क्योंकि हमारे हाथ में इतना सशक्त माध्यम है कि अगर हम इतना सा भी बदल पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खुशी होगी कि हम एक जिंदगी को भी अगर हम बदल पाए, कि कुछ किसी का भला हुआ, कुछ लोगों को हम जगा पाए एंटरटेनमेंट के साथ। ये नहीं चाहते कि एंटरटेनमेंट खत्म हो और हम उपदेश दें, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ ही अगर हम कुछ मैसेज दे पाए या कुछ भी लोगों को बदल पाए जिंदगी को, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो पाए। नो डाउट, मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में डायरेक्टर की अहमियत पहले से कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम हुई है। आज भी बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं जो जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिनसे हर चीज़ डिस्कस की जाती है। डायरेक्टर की अहमियत कम होना नहीं कहेंगे, जो कि इन्वॉल्वमेंट वाली बात है वो यूँ कही जाएगी कि राइटर्स जो है वो सब लोग साथ में मिल लेते हैं, वो स्टोरी आइडिएशन वगैरह कर लेते हैं, और डेली सोप जैसा मैंने कहा कि इतना कट टू कट है, इतना डेडलाइन इसमें ज़्यादा है कि डायरेक्टर के पास कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता उनको अपनी चीज़ें अपनी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि आपको डेडलाइन मैच करनी है, टेलीकास्ट के लिए टेप भेजना है, तो आपके ऊपर प्रेशर इतने रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये होता है कि राइटर ज़्यादा आगे हो जाते हैं और डायरेक्टर पीछे रह जाते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जो अपना अच्छा काम करना जानते हैं, वो उस डेडलाइन में भी, उस कम समय में भी वो अपना काम अलग से दिखाते हैं और अपनी वो पहचान बना ही लेते हैं। अगर सुना मैंने कि ऐसा कोशिश की जा रही है करने की, अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा अब्रॉड में ऐसा होता ही है कि अगर जिसने चीज़ लिखी है तो अगर वो लिखा हुआ काम आपका कई बार रिपीट होता है, कई जगह चलाया जाता है, तो उसका रेमुनेशन आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत थी। तो अगर वो होता है तो मुझे लगता है हमारी राइटर कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक बार मैंने, एक तो वैसे ही डेली सोप की ये प्रॉब्लम होती है कि न्यूज़पेपर जैसा है कि आज आपने किया और कल वो गया टोकरी में, कि फिल्म में तो फिर भी है कि आपने एक बार फिल्म बनाई तो वो कई सालों तक याद रखी जाएगी, लेकिन टेलीविजन में तो आज आप कितनी भी मेहनत कर लो अगले दिन कोई याद नहीं रखता कि बस वो कल का सीन कल तक ही गया क्योंकि नया तैयार है। तो ऐसे में राइटर को उसके लिखे हुए काम का अगर ये रॉयल्टी मिलती है तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये काम जितना जल्दी हो सके बहुत अच्छा होगा। इतने सारे चैनल्स हैं और हर चैनल पे इतने सारे शोज आ रहे हैं, उसके लिए राइटर्स कम है, और राइटर्स ज़्यादा होंगे, मतलब राइटर्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी जहाँ तक ये सोच है या मेंटेलिटी है वो ये है कि आज भी जो लोग घर से अपने शहर छोड़कर बॉम्बे आ रहे हैं वो एक्टर बनने ही आ रहे हैं, मतलब घर से राइटर बनने के लिए लोग बहुत कम निकल रहे हैं, क्योंकि राइटिंग को पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी भी सीरियस प्रोफेशन उतना माना जाता होगा। तो मतलब होना चाहिए कि छोटे शहरों से, मतलब जैसे जहाँ जहाँ से मैं आया हूँ, जयपुर, भोपाल, कानपुर, यहाँ से और लोग राइटिंग के लिए निकल कर आए और यहाँ पर राइट, और उनके पास टैलेंट है क्योंकि उनकी भाषा पर उनका कमांड अच्छा है, वो लोग वहाँ के कल्चर को जानते हैं, तो वो कल्चर हमारे सीरियल्स को एनरिच करेगा। तो राइटर्स का और होना ज़रूरी है, होने चाहिए राइटर्स के लिए। बस यही मेरी राय है कि मुश्किल काम है, आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप में वो लगन है, अगर आप चीज़ों को महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वो पेपर पे उतार सकते हैं, तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, और उस कोशिश में दिल के साथ साथ एक टेक्निक का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप टेलीविजन में अगर काम करेंगे तो टेलीविजन में एक टेक्निक भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सीन इतने ही मिनट का जाएगा, एपिसोड इतने ही मिनट का है, तो वो टेक्निक आपको काम करते करते समझ में आएगी। तो कोशिश करें, क्योंकि, और ये ना सोचें कि मैं दिख नहीं रहा हूँ, जैसे एक्टर के लिए हमेशा एक बेनिफिट रहता है कि एक्टर ने जो काम किया वो दिखा, एक्टर ने अगर छोटा सा भी काम किया तो उस काम को लेकर चार जगह चर्चा है क्योंकि वो दिखा। तो अगर आप दिखोगे नहीं लेकिन उसके बावजूद भी इस काम में रुचि दिखाना, इस काम को करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बेस यही है, बेस आप हो, जो लिख रहा है वो जब तक लिखेगा नहीं तो आगे ना तो कलाकार कुछ बोलेगा ना कुछ शूटिंग होगी, तो बेस मजबूत है। तो आप, अगर आपको लगता है आपके अंदर वो बात है, तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त हर चीज़ के लिए लगता है, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे हैं, एक सेटअप तैयार है और एक ढांचा सबका बना हुआ है, हर कोई एक दूसरे के साथ काम करने में कंफर्टेबल है, नए आदमी के लिए एंट्री लेना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि काम इतना है कि कोई जगह मिलेगी, वक्त सबको मिलेगा, तो आप कोशिश करना मत छोड़िए, और अगर राइटिंग का है तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, राइटर के लिए अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो जो भी लोग इंडस्ट्री में पुराने काम कर रहे हैं, तो किसी भी राइटर को उनमें से किसी राइटर के साथ असिस्ट करना मेरे ख्याल से सबसे सही जगह रहती होगी, क्योंकि अगर आप कहीं भी चैनल या प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्ट ट्राई करेंगे तो वो लोग
एकदम से भरोसा जताना मुश्किल होता है, जो अपनी जगह वो भी सही है। तो अगर आप किसी भी अच्छे राइटर के साथ, जो कि काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं कुछ महीने या कुछ साल, उनके साथ काम करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, फिर आप वहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, फिर आप भी मीटिंग्स में जाएंगे, आपको प्रोडक्शन हाउस वाले जानेंगे, और फिर अगर मौका मिला तो आप खुद भी शोज फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। मैंने जब बालाजी में ऑलमोस्ट 10 साल काम किया, तो उन 10 सालों में मुझे, मतलब बालाजी ने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की थी कि ऑल ओवर इंडिया से वो नए राइटर्स को या नए बच्चों को लेकर बॉम्बे आए थे, जिनको यहाँ रहने की जगह दी गई, उनका सारा देखभाल की गई, उनको सैलरी दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो लोग वहाँ रहकर काम सीखें और फिर इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट संभालें। तो ऐसे कम से कम 20-30 बच्चे जो थे वो अलग अलग शहरों से बालाजी में आए थे। तो उनमें से जिन बच्चों का रुझान डायलॉग राइटिंग में था, उन बच्चों को मेरे साथ रखा गया था कि मैं जो शोज करता हूँ उनसे अगर कुछ सीख पाए। तो उन बच्चों को मुझे खुशी होती है कि उन्होंने मेरे साथ काम किया और उन्होंने तो मुझसे सीखा, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो लोग फ्रेश थे, उनके पास अपने शहर के अनुभव थे, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, बाकी वो जो उन्होंने जो कुछ सीखा, अब वो सभी लोग आज अच्छे इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, जो कि देख के खुशी होती है। पर्सनली मतलब जैसे सबका ड्रीम होता है, तो फिल्म्स का है ड्रीम कि अच्छी फिल्में लिखें, और उसके लिए वक्त कब आएगा, मौका कब आएगा, पता नहीं। सर लिखने का मन करता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वक्त बिल्कुल नहीं मिल पाता है, कि मतलब सुबह से रात कब हो जाती है वो मालूम नहीं चलता। तो उसके बाद मन होता है लिखने का, लेकिन तब हिम्मत नहीं बची होती कि अब कुछ और अलग लिखा जाए, तो वो नहीं बनता।